अस्सलाम वालेकुम। स्पेन की सियासत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक और वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोडेमोस ने हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था, जो सब्सिडियोस 480 से 570 करने का वादा किया गया था उसके खिलाफ वोट दिया। अगर इनका वोट इसके हक में होता तो ये भी पास हो जाना था। तो बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये क्वेश्चन आया कि पोडेमोस क्योंकि एक लेफ़्ट विंग की पार्टी है, हुकूमत भी लेफ़्ट विंग की है, तो फिर इन्होंने उसके अगेंस्ट वोट क्यों दिया। तो उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। पोडेमोस वो पार्टी है जो पाब्लो इग्लेसियास, वो कोलेता वाला, उसकी वो कह लें कि इसका मेन हेड था। उसके बाद इसकी जो इरेने मोंतेरो, उसकी जो वाइफ है, वो पिछली लेजिस्लेटुरा में वज़ीर भी रही है, मिनिस्ट्रा दी इग्वालदाद भी थी। लेकिन इस बार क्योंकि जो राइट विंग वालों हैं उन्होंने जो लोकल इलेक्शंस थे उसमें बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की थी, तो जो लेफ़्ट विंग वाले थोड़े से परेशान होकर उन्होंने सारे इकट्ठे हो गए थे। मतलब जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी लेफ़्ट विंग की, उन सब का एक ग्रुप बन गया था योलांदा दियास के अंडर, जिसका नाम था सुमार। तो अब क्योंकि पहले योलांदा दियास पोडेमोस वालों के साथ थी, अब उसने वो सारा ग्रुप बना के इनको थोड़ा सा नीचे करके ख़ुद वो उसको लीड करने लग पड़ी। तो ये पाब्लो इग्लेसियास, और जारी सी बात है उसकी जो वाइफ है इरेने मोंतेरो, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई और वो इसके साथ नहीं मिले। और उनको जारी सी बात है गुस्सा भी था कि एक हमारे साथ आज तक रह के आज इसने अलहदा से अपना ग्रुप बना लिया और उसकी इसको लीड भी करने लग पड़ी है। और वो जो अयुदा थी, जो सब्सिडियो थी 470 से 570 करने वाली, 480 से 570 वाली, ये वो लेके आई थी। तो जारी सी बात है अगर आपको किसी पर रंजिश होती है इस तरह की, तो आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं उसके अगेंस्ट जाने का। अब इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मतलब इसे कितना कितने और चीज़ों का जो है ना वो नुकसान होगा, खुद अपनी पार्टी का फैसला या हमारे ख़िलाफ़ हो गई है तो अब हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे, इसको जहन में रखते हुए इन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया। और जो बहाना बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा हम इसलिए इसके अगेंस्ट वोट दे रहे हैं क्योंकि जो 52 ईयर से ज़्यादा बड़े लोग हैं उनका जो पेंशन के लिए कोतिसार जो होता था, अब वो इसके बाद वो 100% हो जाएगा, 125 नहीं। तो ये भी एक समझने वाली चीज़ है, ये भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। पहले क्या होता था इस रिफॉर्मा से पहले, ये है कि जो 52 ईयर से बड़े लोग हैं, 52 सालों से ज़्यादा के हैं, वो जब अपनी ये सब्सिडी या आयुदा लेते हैं तो वो जो पेंशन के लिए कोतिसार करते हैं, जो टैक्स देते हैं, वो बस से जो मिनिमम है उसका 125% है। मतलब पेंशन के लिए उनका टैक्स इस तरह से जा रहा होता है जिस तरह से वो मिनिमम जो वेज है, मिनिमम जो सैलरी है उसका 125% ले रहे हैं। मतलब 100% कह लें कि अब दी जा रही है 1080, तो वो कह लें कि वो टैक्स दे रहे हैं 1100 के ऊपर, मतलब क्योंकि 125% के हिसाब से। मतलब पैसे वो बेशक कम ले रहे हैं लेकिन क्योंकि उनकी पेंशन को बेहतर बनाना मकसद है तो वो 125% दे रहे हैं। ये था इससे पहले तक का कानून। अब इन्होंने क्या किया है, वो जो 125% था उसको 100% कर दिया है। वो लॉजिक वाली भी बात थी क्योंकि इसका पहले जब 125% किया गया था उस वक्त मिनिमम 735 यूरो थे, तो 735 यूरो के हिसाब से टैक्स देना, बाद में पेंशन तो आपकी इतनी बनती नहीं थी, तो उस वजह से उस वक्त के हिसाब से उन्होंने 125% किया था ताकि जब इस बंदे की पेंशन लगे तो वो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अब क्योंकि मिनिमम जो इनकम है वो 1080 तक पहुंच चुकी है, तो उन्होंने कहा कि अब नॉर्मल है, इतनी कम भी नहीं है, तो 100% ठीक है, 180 के हिसाब से इसका टैक्स जाए, 1080 के हिसाब से इसका टैक्स जाएगा, तो ये तो इतना काम नहीं है। तो पोडेमोस वालों ने वो बहाना बना के ये नहीं देखा कि पहले 735 था और अब 1080 हो गया, ये नहीं देखा कि मतलब अब हकीकत में ये बढ़ चुका है, लेकिन वो उस चीज़ का बहाना बना के पहले 125 था, आप लोगों ने 100% कर दिया है तो इस वजह से हम आपके अगेंस्ट वोट देंगे। लेकिन वो जो इसमें सारी बेहतरियां थी कि आपको अपनी पारो ख़त्म होने के बाद जो एक महीना आपने वेट करना होता था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इन्होंने कहा वेट करने की ज़रूरत नहीं, उसी वक्त ही आप अप्लाई कर सकते हैं। या जो 45 ईयर से कम वाले एज वाले बंदे थे वो पहले सिर्फ उस वक्त वही ले सकते थे जब उनके बच्चे थे, अब इन्होंने कहा कि बच्चों के बिना भी वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपने सियासी मकसद के लिए उन्होंने या सियासी रंजिश की वजह से उसके अगेंस्ट वोट दिया। तो वीडियो भी लंबी हो गई है और इतनी मतलब ये सिर्फ एंड तक मेरे ख्याल में उन लोगों ने ही देखी होगी जिनको स्पेन की सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो आप सबको मेरा अस्सलाम।